जी नाजर खुश आमदीद, हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वलीद हाशमी साहब, खुश आमदीद कहूँगी। एम के पाकिस्तान से खालिद सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहती हूँ। सर, कल ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 245 के, किस तरह की तैयारी है, कौन कैंडिडेट है? पीटीआई की तरफ से हमारे जो कैंडिडेट हैं महमूद मौलवी साहब हैं, जो कि कराची के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और साबका हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके एडवाइज़र भी हैं। कल हमारी जो तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, और जिस तरह आपको पता है कि कल पीटीआई वर्सेस ऑल होने वाला है, सही। जिस तरह कल 28 तारीख को आमने सामने जो हरीफ हैं वो कल के इलेक्शन में इत्तेहादी के तौर पे उतरेंगे हमारे खिलाफ, तो कराची के अवाम ने पहले भी अपना फैसला सुना चुकी है। 2018 में जनरल इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने इमरान खान के ऊपर एतमाद किया था, इंशाल्लाह कल के इलेक्शन में भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं महमूद मौलवी साहब वो भारी अक्सरियत के साथ भारी एक लीड के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे, और जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं जो जिसके साथ इत्तेहादी तमाम पार्टीज हैं उनको इंशाल्लाह एक बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, मतलब पीटीआई वर्सेस ऑल कल जो है बहुत सख्त मुकाबला होने वाला है, सारी जमातों के साथ अकेली डट के खड़ी हुई है पीटीआई। सख्त मुकाबला नहीं है, ठीक कोई है, मुकाबला नहीं है इंशाल्लाह, कोई मुकाबला नहीं है लेकिन इंशाल्लाह। इसी हल्के से आपके अपने ही एमएनए की बहुत सारी शिकायतें, क्या आपको लगता है कि आवाम फिर से एक दफा उनके पर एतमाद करेगी देखें, पीटीआई के ऊपर? शिकायतें तो 2018 के बाद भी बहुत लगी थी, उसके बाद भी बहुत प्रोपेगेंडा बनाया था, इमरान खान के ऊपर बनाया था, लेकिन मैं समझता हूँ 2018 से ज़्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज डबल से दो गुना ज़्यादा हो गई है, तो 2022 से आज 2018 को आप छोड़ें 2022 को देखते हैं, और 2022 में जो कराची वाले मैंडेट इंशाल्लाह आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को देंगे तो वो भी आप देखेंगे, और कल के इलेक्शन में जिस तरह जमानतें जब्त होने वाली है हमारे जो उम्मीदवार हैं दूसरे अपोनेंट उम्मीदवार हैं इंशाल्लाह वो भी कराची के आवाम देखेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, खालिद सुल्तान साहब क्या कहते हैं? हाँ, हमारे जो उम्मीदवार हैं वो पूरे लोग उनको जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारे ईस्ट के चेयरमैन रहे और जो मोहिद अनवर, और 4 साल जो हमारा बल्दियाती दौर रहा उसमें कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से उसमें उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, क्योंकि इख्तियार का एक मसला था, लेकिन उन्होंने जो भी इख्तियार मैसर थे उसमें स्कूल्स भी, पार्क्स भी, रोड्स भी, और दीगर जो सिस्टम है बल्दियाती सिस्टम उसको ईस्ट में आपने देखा होगा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, और काफ़ी बेहतर रहा गुज़िश्ता जो हमारा बल्दियाती दौर था 2016 से लेकर 2020 तक, तो उनकी एक कारकर्दगी जिसको इलाके के लोग जानते हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और जिस तरह लोग हमें और हमारे कैंडिडेट को वहाँ पे पजीराई दे रहे हैं, और जिस तरह गली गली जा रहे हैं वहाँ की माएँ बहनें लोग निकल के जो है वो अपना उनको पहचानते हैं, क्योंकि वो हर गली में उस वक्त जब वो चेयरमैन थे उस वक्त भी वो लोगों के बीच में रहते थे, और एमक्यूएम का तो ये खास सा रहा है, वतीरा रहा है हमेशा कि वो हर वक्त आवाम के इख्तियारत हों ना हो, हुकूमत में हो ना हो, हमेशा आवाम के बीच में जरूर रहते हैं, हमारे एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर्स, काउंसलर्स जो है वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं आवाम को, उनकी जो भी तकालीफ होती है उसमें मौजूद होते हैं। जहाँ तक रहा पीटीआई का, तो जिस तरह 2018 में इनके जो है जिस तरह 2018 की जमानतें जब्त होने वाली हैं, जिस तरह 2018 में जिस तरह पीटीआई को जिताया गया था और हमारी जहाँ से 14 सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई थी, उस वक्त तो यह हाल था इलेक्शन वाली रात जब उम्मीदवार रिजल्ट लेने के लिए आरओ ऑफिस में जा रहे थे कि वो अपना जाहिर अपना रिजल्ट हासिल करें, कि उनको तो पीटीआई के एक भी उम्मीदवार जो था वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं था इलेक्शन के बाद, उनको 100% उम्मीद थी, यकीन था कि वो हार चुके हैं और वो अपने अपने घरों को जाके सो गए थे। अच्छा। तो सुबह जब उठे उनको दरवाजे खटखटा के बताया गया कि आप जिता दिए गए हैं। अच्छा, जिता दिए गए हैं। और किस तरह से जिता दिए गए? और ये तो खुली बात है पूरे पाकिस्तान में जो हुआ, पंजाब में हुआ, कराची में हुआ, के में हुआ, जिस तरह रात को रिजल्ट बदला गया और इलेक्शन दिन तो अच्छा गुजरा और जब रिजल्ट देने का टाइम आया उस वक्त तमाम पॉलिटिशियंस को बाहर निकाल दिया गया और फार्म जिस पे रिजल्ट अनाउंस करता है प्रिजाइडिंग अफसर वो अपनी मर्जी के इंतजामिया ने जो उस वक्त की हुकूमत थी अपना बुरी हुकूमत उसके नुमाइंदों ने और जो इंतजाम थे इलेक्शन कमीशन के उन लोगों ने जिस तरह धांधली की और असल नुमाइंदों को कराची के उनसे सीटें हराई, तो मैं समझता हूँ एक वक्त आ गया है, सब आया हो गया है, कराची के आवाम ने देख लिया है
कि एक भी नुमाइंदा 14 एमएनए जिसके पार्टी क्यों उनको ना पता हो कि उनके एमएनए हैं, और वो आज तक 4 साल गुजरने के बावजूद अब तो खैर उन्होंने इस्तीफे जाली इस्तीफे दे दिए हैं, घर में बैठे हुए हैं और ना वो क्या खूब है कि चिलबन से लगे बैठते हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, जाके देना है उसके पास पेश हो स्पीकर के पास, बाकी बताया आपने इस्तीफे दिए क्यों नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि जाली मैंडेट था। अच्छा, और तो ये जो मैंडेट जाली था तो उसको क्यों नहीं बोली एमकेएम? तो मुसलसल एमकेएम ने देखे अब तक केस किए हुए हर सीट के ऊपर, आज भी हमारे केसेस मौजूद है कोर्टों में, जितने भी हलके थे जिसमें हमें यकीन था कि हमें धांधली से हराया गया और जाली रिजल्ट जारी करके पीटीआई को, आज भी हम देखें, एक होता है मुल्क के खातिर कुछ चीजों को कबूल कर, लेकिन हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जो कानूनी हर जरिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने अपनी दरखास्तें जमा कराई, उसके बाद जो ट्रिब्यूनल बने उसमें हम लोग मौजूद हैं, अब वो ट्रिब्यूनल फैसला नहीं करे तो हम क्या करें, तो इसलिए हम तो मौजूद हैं और कल इंशाल्लाह NA 245 में उस जाली मैंडेट को खुल के आवाम बता देंगे कि जो पिछला हमारा सीट छीनी गई थी कल हम वो भरपूर तरीके, आप इस वक्त कराची उस NA 245 गलियों में चले जाएं, वहां जाके पूछे कि पीटीआई का उम्मीदवार कितने दफा आया आपके यहाँ, और हमारे 80% पिछले भी नहीं देखा, इस वक्त उम्मीदवार को भी नहीं पता, वो समझना किसी मस्जिद का मौलवी है, ये उनको ये भी नहीं पता हमारा उम्मीदवार कौन है। अच्छा। तो हमारे कैंडिडेट के जाके पूछ ले, माई बहन ने बता देंगी, कल रात को अपना लाइन दे रही हूँ, सिर्फ खवातीन का इतना बड़ा हमारी कॉर्नर मीटिंग आखिरी कल दिन था, इतनी बड़ी कॉर्नर मीटिंग थी, पूरा जेकब लाइन का जो मेन रोड है उसके ऊपर पूरा एक रोड भरा हुआ था, तो खाली खवातीन का हमारा यह हाल है कि वो बेताब है कि अपना उस जो हमारी जाली शिकस्त हमें दी गई थी और रिजल्ट बदला गया था, कल उसको बदला लें और कल कराची हलका 245 के जो कराची के गयूर अवाम माए बहने हैं वो अपना इंशाल्लाह ताला 2018 में जो हमारी शिकस्त दी गई थी, चोरी की गई थी हमारी सीट, कल उसको अपने वापस लेके अपना इंशाल्लाह उसका बदला लेंगे और पता चलेगा कल जवाब। अच्छा, मतलब आपका मुकाबला पीटीआई के साथ है कल? नहीं जनाब, चाहती थी देखिए हुआ यह कि पीडीएम में हम शामिल नहीं है जी, लेकिन पीडीएम में एक उसूल तय हुआ था कि जो भी सीट खाली होगी अगर किसी पीडीएम की किसी जमात की होगी और वहां से वो जीता था, अगर उसकी कोई सीट खाली होती है तो वो उसकी उसी का कैंडिडेट खड़ा होगा, और अगर किसी और जमात जो हमारे इत्तेहाद में शामिल नहीं है उनका कोई कैंडिडेट की सीट खाली होती है तो उसमें जो रनर अप था जिस जमात का, तो ये एक उसूल तय हुआ है, ये कोई किसी की हिमायत नहीं कर रहा, एक उसूल के तहत दूसरे जो कैंडिडेट है और ये भी हमारे ऊपर था, हम चाहते तो हमने कहा उनसे जमातों से कि आप लोग अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो हमारी तरफ से कोई आपके ऊपर, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक उसूल तय किया था बैठ के तो उस उसूल के तहत उन लोगों ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ किए। ठीक है जी, एमकेएम की भरपूर तैयारी है, वो कहते हैं कि वहाँ की आवाम को तो ये भी नहीं पता होगा कि अभी हमारा नुमाइंदा कौन है जो मतलब जिमनी में जो है जिसको पीटीआई ने जो है मुंतखब किया है इस इलेक्शन के लिए, तो लोग तो वही समझोगे कि मस्जिद का मौलवी है, आप क्या समझते हैं या क्या लोगों में इतनी उनकी मकबूलियत नहीं है पीटीआई की जब भी आप लोगों ने नुमाइंदा वहाँ पर खड़ा किया? देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो भी कैंडिडेट उतरते हैं मैदान में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ें उसको वोट सिर्फ इमरान खान के चेहरे पर पड़ता है, चाहे वो मस्जिद का मौलवी समझ लें ये, चाहे कहीं और किसी और शख्स को समझ लें ये, हमारा वोट कराची की आवाम सिर्फ इमरान खान को देती है और कोई शख्सियत का वोट नहीं है। एमकेएम वाले बात कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट तो बहुत ज़बरदस्त है, ये वही कैंडिडेट है मुईद अनवर जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का चेयरमैन था, ये वही कैंडिडेट है जिसके पास करोड़ों रुपये यहाँ फंड जमा होते थे और आज हालिया बारिशों के बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी परफॉर्मेंस देखने की, हालिया बारिशों के बाद पूरे कराची की अगर मैं बात करूंगा तो आप इनकी परफॉर्मेंस का जायजा उठा लें, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कराची के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की है, ये वो मामू भांजे हैं जिन्होंने मिलकर 30 साल से कराची को खाया है और जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है ये एक स्लोगन और एक नारा मारते हैं अपना वोट अपनों के लिए, इनसे मैं पूछता हूँ उन्होंने अपनों के लिए किया क्या है? इंटीरियर से इनमें एक भोला खानजादा था, पीपल्स पार्टी वालों ने उसका कत्ल कर दिया, ये उनके साथ इत्यादी बन के बैठ गए, इनकी माओ बहनों को वहां पे सीएम हाउस के बाद मारा गया, कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, उसके चंद दिनों बाद ये उनकी गोद में जाके बैठ गए, ये किस मुंह से कराची का मुकदमा लड़ते हैं? कराची की आवाम वालों ने इन पे इतना एतमाद किया, इतना इन पे भरोसा किया, इन्होंने आज तक कराची को दिया क्या? सिर्फ वही खड्डे, मावा, पान, गुटखा, इसके अलावा इन्होंने दिया क्या कराची को?
कुछ भी नहीं दिया। कराची के आवाम इनसे बस जाने, मैं खुद यूसी का वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ मॉडल टाउन से। अच्छा। मैं डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ, वहाँ पे जो हमारी सबका जो जमात थी एमक्यूएम वहाँ से विन करी भी थी। आज ये हाल है कि इनकी जमात के साथ खड़े होने वाले बंदे नहीं है। मैं डोर टू डोर कैंपेन करता हूँ, हम लोगों को इमरान खान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत मिलती है, घरों की फैमिलीज आके हमें बाहर दुआएं देती हैं, हमें पानी पिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, और इतनी इज्जत देती हैं कि हमें खुशी होती है कि हम उस बंदे के साथ खड़े हैं जिसको हमारे बुजुर्ग जो हैं दुआएं दे रहे हैं यहाँ पे। और जहाँ इनके कैंडिडेट हैं, इनके कैंडिडेट क्या करते हैं, हमारे बंदों को कॉल करते हैं, यार तुम उनके साथ क्या कर रहे हो, धमकियां दिलवाते हैं, थ्रेट करते हैं, इनका काम ही बस यही रह गया। अच्छा, मतलब इनकी पूरी जमात उठ के वो आप अपने जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो वहां पर से आप लोगों को धमकियां मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही आप, मैं बता रहा हूँ ना, हमने डोर टू डोर कैंपेन की है, आप इनके कैंडिडेट्स बताएं। मैं अपनी यूसी की अगर बात करूंगा, इनके कैंडिडेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं जी, 28 अगस्त को जो होने वाले हैं, जी, जी, जी। ये तो भाग रहे हैं, ये तो भाग रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पटिशनें लगा रहे हैं। अगर इतना इनको पता है, इतना बोल रहे हैं कि आप कराची में हम लोग क्लीन स्वीप करेंगे, तो भाई पटिशन क्यों लगा रहे हो आप? तीसरी पटिशन लगाई है कोर्ट ने, रिजेक्ट किया, आप क्यों लगा रहे हो, क्यों भाग रहे हो इलेक्शन से? और इतने आपके कैंडिडेट मजबूत हैं तो आप पीडीएम का सहारा क्यों ले रहे हो? कल आ जाओ अकेले मैदान में आ जाओ, पता चल जाएगा कौन किसको कराची की आवाम पूछती है। क्या दिया है कराची की आवाम को? देखें, कराची में 3 अदवार एमक्यूएम को मिले, एक 1987 से, फिर उसके बाद 2006 से लेकर 2010 तक, फिर 2016 से लेकर 2020 तक। आप देखें सिर्फ कराची में कोई तरक्की हुई है तो पहले जो 2 अदवार में जिसमें अख्तियार थे उस वक्त तो ये खैर शायद होंगे भी नहीं, बच्चे थे गोद में होंगे उस वक्त, तो इनको नहीं पता कि उस वक्त कराची में कितनी तरक्की हुई और कराची का चेहरा खुल के सामने आया कि इससे लगा कि कराची की खिदमत की गई। उसके बाद असल में बलदियाती सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप उसको 4 दिन के लिए भी रोक देंगे ना, अख्तियार उसके रोक देंगे या उसको काम करने से रोक देंगे तो शहर की शिकर खराब हो जाएगी। हमेशा ये हुआ कि हमारे हर दौर के बाद एक गैप आया जिसमें बलदियाती सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। 2087 से लेके 91 तक का जो दौर था उसमें, फिर उसके बाद जब 2006 से उसके बाद बलदियाती सिस्टम कराची से ख़त्म कर दिया, आपको पता है। उसके बाद 2002 में बलदियाती सिस्टम दोबारा आया तो एक बड़ा गैप आ गया जिसमें तकरीबन 10 साल का गैप था, तो कराची फिर दोबारा, फिर हमारे पास 2006 में जब वो आया तो उसमें इंटरनेशनल यानी पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया था उस पर सब ने उसकी तारीफ की कि 4 साल के अंदर कराची की शहर की शक्ल बदल दी गई और एक इंटरनेशनल सतह का शहर खुल के सामने आया। लेकिन उसके बाद बदकिस्मत ये है कि यहाँ पे बलदियाती सिस्टम खत्म कर दिया गया, फिर उसके बाद एक गैप आया उसके बाद 2016 में, और जिस तरह 2016 में मेयर के तमाम अख्तियार 2013 के SLGO के तहत सल्व कर लिए गए, एक शख्स जिसके पास जो जिस शहर का मेयर कराची जैसा मेगा जो दुनिया का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से बड़ा शहर है उसके उसको इख्तियार नहीं दिए जाएंगे, उसके 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 मेयर के पास 17 ग्रेड के अफसर की तब उसका मुत्तली तक का इख्तियार नहीं होगा, उसका पोस्टिंग ट्रांसफर का इख्तियार नहीं होगा, वाटर सीवरेज बोर्ड उसके पास नहीं होगा। टाइम बिल्कुल शॉर्ट एंड शॉर्ट बात कीजिए क्योंकि मैंने फिर प्रोग्राम को के इख्तिताम तो जब इख्तियार नहीं होंगे तो उस दौर में ये हुआ कि उस तरह शहर को डेवलप नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर देखें कि 2020 के बाद फिर कराची से बलदियाती सिस्टम छीन लिया गया और इस सिलसिले में मुतरकुमी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में गई। 140A के तहत जो इख्तियार बलदियात को मिलने चाहिए थे, जो आइन की जो 18वीं तरमीम हो उसके साथ 140A रखवाया गया था कि डिवॉल्व किए जाएंगे इख्तियार ऊपर से लेके डिपार्टमेंट्स को, जिसका अमली मुजाहरा हुआ कि सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिए गए, लेकिन सूबाई असेंबली ने सूबाई हुकूमतों ने नीचे तक बलदियाती, तो उसको भी आज हम जीत गए। ये भी एक बड़ा MQM का जो है कामयाबी है, इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी कर दिया और मुतहदा पाकिस्तान की पटिशन पे दिया, और भी दीगर जमातें मौजूद थी लेकिन लेकिन अभी भी सिंध हुकूमत जो वो इख्तियार मुआहदा होने के बावजूद देने को तैयार नहीं है, उस पर बातचीत हो रही है, काम हो रहा है। ठीक है जी, इख्तियार का जो सिलसिला है कि नस्ली सतह तक जो है इख्तियार जो है मुंतकिल किया जाए, मेयर को एम्पावर होना चाहिए जो कि अभी तक नहीं नजर आ पा रहा है, ये एक बड़ा मामला है। बलदियाती इंतखाबात करीब हैं लेकिन इख्तियार का जो मसला है वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। क्या होता है, किस तरह से इख्तियार के मसला हल होता है, इस हवाले से हम नेक्स्ट प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, खालिद सुल्तान साहब आपका, वली साहब आपका, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नदा से इजाज़त, मुझे मेरे मेहमान को मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।